बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसके मैं उसकी निंदा करता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है, और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहे आपस में हमारे राजनीतिक विचारधारा हैं, हम उसमें उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए ये हमको बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है, अश्लील टिप्पणी है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है चुनाव के माध्यम से। आप तो कभी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं, फौजी भुट्टों ने आपकी डेमोक्रेसी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करिए तो वो जुबान में भी आए, बाकी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करके आप अपना कैरेक्टर इंटरनेशनल फोरम पर दिखा। बिलावल भुट्टो एक बचकाना बात कर रहे हैं, उनको न जाने किस लिए पाकिस्तान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। वो तो पाकिस्तान की राजनीति नहीं जानते तो इंटरनेशनल राजनीति क्या जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस तरीके से बोलने का भारत के बारे में, ये भारत का इंटरनल मैटर है, कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे उनसे लड़ाई कोई जाति लड़ाई नहीं है, उनसे वैचारिक लड़ाई है। और अगर देश के भारत के प्रधानमंत्री पे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर विदेश का कोई आदमी कोई मिनिस्टर कोई उंगली उठाता है तो वो ना सिर्फ निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस मामले को हमारी सरकार को शिद्दत के साथ ज़ोरदार तरीके से उठाना चाहिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाना चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए ये जो एक तो वो हैं 32 साल के, इनको कोई अनुभव तो है नहीं कि कूटनीति कैसे चलती है। कूटनीति का पहला लेसन है कि आपकी भाषा शराफती होनी चाहिए। अब ये कहाँ पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े और ये सीखा है उन्होंने, और किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि इस लड़के से कहे कि तुमने क्या बकवास की। हमारे यहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा, दुनिया में और किसी ने नहीं कहा। तो अब जब कोई देश का पतन होता है, गिरावट होती है, तो ऐसे लोग आते हैं आगे।